नमस्कार, वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहित खान। आईपीएल 2022 का ऑक्शन अभी बेंगलुरु में चल रहा है। दो दिन के ऑक्शन का आज अंतिम दिन है और इस ऑक्शन में एक बार फिर भारतीय तेज गेंदबाजों का बोलबाला रहा। इंडियन प्रीमियर लीग के मेगा ऑक्शन में राजस्थान के टोंक के 24 साल के खलील अहमद को दिल्ली कैपिटल्स ने 5.25 करोड़ रुपये में खरीद लिया है। खलील की बेस प्राइस 50 लाख रुपए रखी गई थी। ऑक्शन के दौरान दिल्ली और मुंबई की टीम लगातार खलील को खरीदने के लिए बोली लगाती रहीं, जिसके बाद उनकी कीमत बढ़कर 5 करोड़ को पार कर गई। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं खलील अहमद। उन्होंने बेस प्राइस 50 लाख रुपए रखा था, यानी वे 10 गुना से भी अधिक महंगे बिके। पिछले सीजन में वे सनराइजर्स हैदराबाद के हिस्सा थे, हालांकि उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। क्रिकेट में उनके आने की कहानी रोचक है। उनके घर वाले उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे, पर उन्होंने खेल में करियर बनाने की ठानी। खलील के पिता खुर्शीद अहमद अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन खलील अहमद को क्रिकेट में अपना करियर बनाना था। खलील अहमद के पिता को शुरुआत खलील के क्रिकेट खेलने से नफरत थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि क्रिकेट में करियर नहीं है। खलील अहमद के पिता ने क्रिकेट को लेकर उन्हें पीटा भी था, लेकिन फिर भी खलील ने क्रिकेट खेलना नहीं छोड़ा। लेकिन अब खुर्शीद खलील की सफलता से खुश हैं। खलील अहमद का ओवरऑल T20 में रिकॉर्ड अच्छा रहा है। वे 69 पारियों में 24 की औसत से 87 विकेट ले चुके हैं। 18 रन देकर 5 विकेट लेना उनका बेस्ट है। इकोनॉमी भी उनकी 8 के आसपास रहती है। ये खिलाड़ी 50 लिस्ट ए क्रिकेट मैच में भी 73 और 6 फर्स्ट क्लास मैच में भी 11 विकेट अपने नाम कर चुका है। वे इंडिया टीम की ओर से भी 11 वनडे और 14 T20 मुकाबले भी खेल चुके हैं। खलील अहमद ने भारत अंडर 19 टीम से अपनी शुरुआत की थी, जहां उन्हें 2016 में खेलने का मौका मिला था। उसके बाद 2016 में ही खलील अहमद को दिल्ली डेयरडेविल्स ने 10 लाख रुपए में खरीदा था। खलील ने रणजी ट्रॉफी में भी खेला है और 2018 के आईपीएल ऑक्शन में खलील अहमद को सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने 3 करोड़ रुपए में खरीद लिया था। लेकिन अब उसी बेस प्राइस से 10 गुना ज़्यादा कीमत एक बार फिर खलील अहमद को दिल्ली की टीम ने दी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट के लिए आप बने रहें वन इंडिया के साथ।